Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door, yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. क्रिएटिव यामिनी, टुडे आई एम गोना शेयर विद यू अनदर शॉपिंग हॉल जो कि मैंने अपने इंदौर एंड महू के मार्केट से लिया है। ये असेंशियल्स है जो कि मुझे अपनी हेयर स्टाइलिंग के लिए या अपने डेली रूटीन के लिए चाहिए होता है। बहुत टाइम से मैंने कुछ भी नहीं लिया था और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, तो कि आई थॉट इनको लेना चाहिए एंड एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो यस गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक बास्केट है, एक ये वाली बास्केट है एंड सो यस गाइज, ये तीन बास्केट है जिसमें हेयर एक्सटेंशंस है, नेल एक्सटेंशंस है एंड क्लॉथिंग है, मेकअप है, ज्वेलरी है। तो यस गाइज, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट रहे कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आने वाले सभी वीडियो से आप नोटिफाइड पाएंगे। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। सभी के प्राइजेज आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ट्राई करूँगी कि अगर मुझे लिंक्स मिल जाती है तो और भी अच्छा होगा कि मैं आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर पाऊँ, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप इनको लोकल मार्केट से लें क्योंकि लोकल मार्केट से ये आपको हाफ से भी हाफ प्राइस में मिल जाते हैं। यस गाइज, लाइक अगर आप मीशो से कंपेयर करेंगे, फ्लिपकार्ट से कंपेयर करेंगे, तो ये प्रोडक्ट्स आपको लोकल मार्केट में बिल्कुल हाफ से भी हाफ प्राइस में मिल जाएंगे। लाइक अगर आपको कोई ज्वेलरी पीस है वो मीशो पे 500 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आप अगर लोकल मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको 200 रुपीज़, 180 रुपीज़, क्योंकि ये मैं मार्केट में आज देख करके आ रही हूँ। यस गाइज, ये सारी शॉपिंग आज ही की है, कुछ कलेक्टिव है, लाइक थोड़े दिन पहले ली थी। अपने अगर अभी तक आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ जाकर के फॉलो कीजिएगा, तो ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं आपके संग क्लॉथिंग शेयर कर देती हूँ क्योंकि क्लॉथिंग मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। सो फर्स्ट एक ही वाला टॉप है एंड ये स्टार्टिंग 50 रुपीज़ है। यस गाइज, 50 रुपये से स्टार्ट है ये। सो कुछ इस तरीके का हाई नेक टॉप है जो कि स्लीवलेस है, विंटर्स के लिए है। सो आप इसे जैकेट से पहन सकते हो, एज ए इनर आप इसे वेयर करना चाह रहे हो तो पहन सकते हो। ये न्यूड कलर मैंने लिया है, कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल जो हमारी लेंथ होती है उस लेंथ तक का है, 50 रुपीज़ का है और ये AK ब्रांड का है। ये साइज़ है L, बट ये स्ट्रेचबल है। सो यस गाइज, मैं ट्राई करूँगी कि मुझे आ जाए। सो यस, AK वाला टॉप है। मैं ट्राई ऑन अभी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनको वॉश करने के बाद ही मैं इनको वेयर करने वाली हूँ। तो यस गाइज, एक ये टॉप मैंने लिया है जो कि स्लीवलेस है। तो आई नो ठंड की वजह से लिया है मैंने, बट इसको वॉश करने के बाद जैकेट के साथ आप पेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दिस ब्लैक कलर का टॉप जो कि बहुत ज़्यादा हाई नेक है, या बोल सकते हैं इसका जो नेक है वो फोल्ड हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनके ट्राई ऑन्स आपके संग इंस्टा पे शेयर कर पाऊँ। इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कर सकते हो। एंड इसकी जो स्लीव्स है, कुछ इस तरीके की स्लीव्स हैं जो कि चूड़ीदार स्लीव्स बोल सकते हैं, उस तरीके की स्लीव्स रहेंगी एंड ये बिल्कुल स्किन टाइट रहेगा। कुछ इस तरीके का टॉप है ये एंड इसका नेक जो है वो अभी तक मेरे फैमिली को समझ में नहीं आया, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके संग शेयर करूँ क्योंकि पहनने पे मे भी थोड़ा सा डीप हो सकता है। एंड नीचे की साइड से ये कुछ इस तरीके का है, तो जो हमारा कमर वाला एरिया होता है उस पर ये टाइट रहेगा। कुछ इस तरीके का ब्लैक टॉप है जो कि मैंने 100 रुपीज़ के दो लिए हैं, मतलब एक ही वाला और एक ही वाला, तो 50 रुपीज़ मुझे ईच मिला है। ये टॉप थे जो मैंने आपके संग शेयर करने लिया एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनकी कपड़े की क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आई डोंट नो ये वाला किस ब्रांड का है, बट अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको सरोजनी में ये मिल जाते हैं, मेरे इंदौर के मार्केट में मिल जाते हैं। इससे पहले मैंने आपके संग एक व्लॉग में भी शेयर किया है, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। एंड ये है ब्रांड, इट इज़ ओवर टाइम एंड अगेन ये एल साइज का है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसका ब्रांडिंग दे रखा है। यस गाइस, ट्राई करने पे ही पता चलेगा कि ये कैसे हैं। नेक्स्ट इज़ दिस, ये है गणेश कैप से मैंने लिया है। अगर आप इंदौर के हैं तो आपको पता होगा राजवाड़ा पे गणेश कैप है, जहाँ से मैंने ये कुछ लेगीज ली हैं, ब्लैक कलर, वाइट कलर
एंड रेड कलर की मैंने दो लेगीज लिए, क्योंकि एक मैंने मेरे लिए ली है, एक मेरे लिए ली है लारिया ब्रांड की है और कुछ इस तरीके की है। सो यस गाइज, ये चार लेगीज मैंने ली है जो कि इस तरीके के पैकेज के संग आती है। इसमें आपको फ्री साइज मिलता है, इसमें कोई भी साइज़ नहीं होता है। तो एल साइज़ है, एम साइज़ है, डबल एक्सल है या फ्री साइज़ है, ये सभी को फिट होने वाली है। तो यस गाइज, ये था क्लॉथिंग हॉल। नेक्स्ट मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ जो मैंने महू के मार्केट से लिया है। यस गाइज, ये कुछ सारी चीज़ें मैंने महू के मार्केट से ली हैं। इसमें आई थिंक सो कुछ इंदौर की भी हैं, तो वो भी मैं आपके संग शेयर कर दूँगी। एंड अगेन प्राइजेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। सो फर्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मैंने इसको लिया है। 30 रुपीज़ के 3 ब्यूटी ब्लेंडर है। अगर मैं ईच बात करूँ तो ये मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा है। ये कुछ इस तरीके के मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स है जो कि मैंने कहीं पे देखे थे तो मुझे चाहिए थे। और ये जो अंडर आई एरिया होता है उसमें कंसील करने के लिए, छोटे एरियाज में कंसील करने के लिए, हमारे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो यस गाइज, मुझे इस तरीके के ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत थी। तो ये है, एंड इस पर कोई भी ब्रांड नहीं दे रखा है। ब्लेंडिंग स्पॉन्ज सिर्फ यही मेंशन है इस पर, इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है। सो एक ये ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि 3 का सेट है 30 रुपीज़ का। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने इस बार बहुत सारी हेयर एसेसरीज ली हैं, लाइक दिस पफ मेकिंग, हाई पफ बनाते हैं तो उसके लिए मैंने इस तरीके का लिया है। सो यस गाइज, मुझे इसकी ज़रूरत थी ताकि मैं आगे से हाई हेयर स्टाइल्स आपके संग शेयर कर पाऊँ। तो अगर आप देखना चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये 3 लिए हैं मैंने, ये 2 सेम प्राइस के हैं एंड ये 10 रुपीज़ का, ये 20 रुपीज़ के हैं। तो एक ये प्रोडक्ट मैंने लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ हेयर पिन्स लिए हैं इस तरीके की, जो कि बेसिकली इस तरीके की जुडास के लिए हमें चाहिए होती हैं, तो एक ये मैंने लिया है। नेक्स्ट इज दिस आयु का क्लिनजिंग मिल्क, जो कि है डीप क्लिनजिंग मिल्क विद एलोवेरा एंड ऑल स्किन टाइप, पीएस बैलेंस को आपके लेवल में रखता है। एंड ये बिल्कुल हर्बल कलेक्शन है, मैंने आपके संग शेयर भी किया है, अंडर 50 रुपीज़ स्किन केयर टीनेजर्स के लिए। वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो था तो उसी के लिए बेसिकली मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया था एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट अगेन मैंने एक और लिया था, ये है डाबर का गुलाबरी प्रीमियम फेस, सॉरी रोज वाटर, एंड ये डेली ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये 15 रुपये का है एंड इसका प्राइस है 50 रुपीज़, बट ये 45 रुपीज़ का आपको मिल जाता है। तो एक ये मैंने लिया था। इसके अलावा मैंने कुछ बिंदी के पैकेट्स लिए हैं लोकल मार्केट से ही, अपने महू के मार्केट से, 10 रुपीज़ ईच है ये। सो कुछ इस तरीके की हैं जो कि हमें लगती रहती हैं। एंड जब हम हैवी इंडियन वेडिंग गैस मेकअप लुक या कोई पूजा का मेकअप लुक शो करते हैं तब उस टाइम पे इस तरीके की बिंदी की हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास नेल पेंट, कुछ इस तरीके की नेल पेंट है जो कि सिल्वर इन कलर की है। ये मैंने इंदौर से ली है 30 रुपीज़ के, आई डोंट नो जिन प्राइस याद नहीं, आई थिंक 10 या 20 इस तरीके की ही प्राइस की है। नेक्स्ट है मेरे पास ये नेल एक्सटेंशंस, कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है एंड ये वाला पीस मैंने लिया है 70 रुपये का, नॉट रॉन्ग, यस ये 2 मैंने लिए हैं 70 रुपये के। दोनों ही इंदौर अपोलो मार्केट के हैं, 56 पे, अगर आप इंदौर से हैं आप वीडियो देख रहे हैं तो यस गाइज, ये अपोलो 56 से मैंने दोनों पीस लिए हैं और ये मुझे ईच 70 रुपये का मिला है। यस गाइज, ये 70 रुपये का है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इसके संग जो ग्लू आता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बट आप इसके संग अलग से ग्लू ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक प्लकर भी लिया है क्योंकि मेरा प्लकर ख़राब हो गया था एंड आईलैशेस के लिए नॉर्मली जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ज़रूरत होती है, तो एक प्लकर लिया है जो कि 10 रुपीज़ का मैंने लिया था। एंड नेक्स्ट इज दिस, ये है ब्यूटीफुल नेल की तरफ से और ये मैंने खुद से बाय किया है 250 रुपीज़ का। मैंने स्टोरीज पे भी डाला था, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था इस तरीके के नेल्स है, जिसको ऑलरेडी मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने ये वाले नेल्स यूज़ किए थे, बट आप इनको और भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से ये आपको ओपन हो जाता है। सो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं इसके साथ इस तरीके के कुछ टूल्स जो कि है नेल फाइलर एंड इस तरीके का एक पेन, जिससे आप अपने नेल्स को थोड़ा सा क्लीन कर सकते हो। और इसके साथ आपको मिलता है ये ग्लू, तो आप इस ग्लू को ट्राई कर सकते हो। ये बहुत अच्छा वाला ग्लू है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट जब आप इनको निकालते हो बहुत देर के बाद, मैंने जब इसे यूज़ किया था तो निकालने पर थोड़ा सा पेन हो रहा था क्योंकि बहुत बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं,
तो ये मैंने मतलब 270 रुपीज़ उन्होंने मुझे बताया था, बट ऑन डिस्काउंट बार्गेनिंग के बाद मैंने इसको 250 रुपीज़ में लिया है। हार्डबोर्ड बॉक्स है, पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बाद में ज्वेलरी स्टोर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको 24 नेल्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक प्राइस के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि आपको इसके संग जो ग्लू मिल रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इन नेल्स के संग ग्लू लेना चाह रहे हैं तो इस वाले का आपको फ्लिपकार्ट पे इजीली ग्लू भी अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप इनको लेते हैं ऑनलाइन तो फ्लिपकार्ट पे आपको 130, 150, 200 रुपीज़ तक के मिलते हैं, बट लोकल मार्केट में अगर आप सर्च करते हैं ये वाले आपको 130 तक के मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक और नेल ग्लू लिया था, क्योंकि उससे पहले मैंने इसको नहीं बाय किया था, इसलिए मैंने ये वाला ग्लू लिया था जो कि 10 रुपीज़ का है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट अगर आप देखना चाह रहे हो कुछ इस पर वीडियो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो फर्स्ट बास्केट जो है वो खाली हो चुकी है, सेकेंड इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यस गाइस, स्टार्ट करते हैं अगेन नेल एक्सटेंशन से। सो यहाँ पे मेरे पास फिर से नेल एक्सटेंशंस हैं, जो कि मैंने येलो इन कलर के लिए, येलो एंड थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर है, और ये वाला मैंने इंदौर के मार्केट से 30 रुपीज़ में लिया है। जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, 30 एंड ये है 70। तो यस गाइस, आपको इनमें सभी में ज़्यादा ही नेल्स मिलते हैं, 4, 8, 12 आपको इसमें मिल रहे हैं, एंड 3, 6, 9 इसमें भी आपको 12 से ज़्यादा मिल रहे हैं, इसमें आपको 12 से ज़्यादा ही मिल रहे हैं, इसमें आपको .12 मिल रहे हैं। तो ये सेंटर में बहुत सारे नेल्स हैं इस वजह से, एंड आई डोंट थिंक सो इसके साथ कोई नेल ग्लू आया है, आपको अलग से ग्लू लेना होगा, क्योंकि इसके संग जो ग्लू आता है वो किसी काम का भी नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक नेल पेंट ली है, जो कि है ये मैक की, ये मैट नेल पेंट है, एंड ये कलर मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। सो यस गाइस, ये 30 रुपीज़ के लिए है। जैसे कि दिल्ली में 30 रुपीज़ की सेल लगती है, उसी तरीके से इंदौर में भी लगती है। राजवाड़ा से आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो ये मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ से लेते हो, तो मैं लोकल मार्केट से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एक नेल पेंट ली है जो कि मैक की रेप्लिका है, एंड 11 ml आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो एक ही वाली नेल पेंट है। नेक्स्ट अगेन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर्स लिए थे, क्योंकि जो मैंने आपके साथ पहले ब्यूटी ब्लेंडर शेयर किए हैं मिनी वाले, वो इंदौर में नहीं मिले थे, पहले मैं इंदौर गई थी उसके बाद मैं मंगवाई गई थी। तो इंदौर से मैंने ये वाले 4 ब्यूटी ब्लेंडर लिए हैं, 30 रुपीज़ के मुझे ये 4 मिले हैं, एंड अगेन इनकी क्वालिटी की बात करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे सॉफ्ट दिख रहे हैं, वेट करने के बाद और भी ज़्यादा सॉफ्ट होने वाले हैं। तो यस गाइस, ये 4 का लिया है, एंड आई लव दिस कलर, ये वाला कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैं किसी वीडियो में आपके संग शेयर भी करूँगी कि इनका रिव्यू कैसा है, एंड काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन जो कॉम्बोज होते हैं इस तरीके के फ्लिपकार्ट से वो लेते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोकल मार्केट में सर्च करो, क्योंकि लोकल मार्केट में वही कॉम्बो आपको 30 रुपीज़ का मिल जाता है विदाउट एनी शिपिंग, एंड अगर आप वही ऑनलाइन लेते हो तो आपको वो 150, क्योंकि कंचन ने लिया था तो मुझे याद है कि उसको थोड़ा एक्सपेंसिव ही पड़ा था। नेक्स्ट, इंदौर में ही नावेल्टी मार्केट है, जहाँ पे रिंग लाइट, ट्राईपॉड, मोबाइल कवर मिलते हैं, तो वहाँ से मैंने ये 2 पीस लिए हैं, जो कि हैं ट्राईपॉड के कैमरा होल्डर या मोबाइल होल्ड करने के। सो मैंने एक जगह पूछा था, ये 100 रुपीज़ का था, वैसे तो बहुत सारी शॉप से उन्होंने मना कर दिया था कि सिर्फ हम ये नहीं देते हैं, बट मैंने एक शॉप पे पूछा था तो मुझे 100 रुपीज़ ईच बोला था, और एक जगह पर 50 रुपीज़ ईच बोला था, तो मैंने वहाँ से 100 रुपीज़ के 2 लिए हैं, एंड ये मेरा टूट गया है, इस वजह से मुझे लेना ही था, तो मैंने एक और ले करके रख लिया है, क्योंकि वीडियोज़ बनाते टाइम टूट जाते हैं, तो हमारे मोबाइल के लिए, हमारे कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा टफ चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो बार बार गिरता है, क्योंकि ये रबर बैंड अगर टूट जाता है तो आपके मोबाइल को वो ग्रिप नहीं मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे लेने के लिए। तो मैंने ये 2 लिए हैं ताकि मेरे मोबाइल को कुछ ना हो, क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाती हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर और भी कुछ हेयर एसेसरीज़ है मेरे पास। फर्स्ट इज़ दिस ग्लिटर हेयर क्लिप्स, जो कि बेसिकली बहुत अच्छी लगती है अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो, एंड यहाँ पे 3 कलर है, लाइट पिंक, रेड एंड पर्पलिश, 20 रुपीज़ की है, 20 रुपीज़ में आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी डील लग रही थी, तो मैंने इसको एक लिया है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी जुड़ा पिंस ली हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा आपको कम मिल जाते हैं, तो ये 10 रुपीज़ के हैं, मैं जब अपने लोकल मार्केट महू से लेती हूँ तो मुझे 30 रुपीज़ ईच मिलती है, एंड इंदौर से मैंने इसे 10 रुपीज़ ईच लिया है, तो यहाँ पर मैंने 5 पेयर
लिए हैं, क्योंकि इस तरीके के जब हम हेयर स्टाइल करते हैं तो बहुत सारी पिंस लग जाती है, पता भी नहीं चलता। तो यस गाइस, नेक्स्ट इज दिस, ये है अगेन पफ मेकर। यहाँ पे मैंने आपके संग पहले शेयर किया था, एंड ये वाला है 30 रुपीज़ के 2। यस गाइस, तो एक मैंने ये वाला भी ले लिया क्योंकि मुझे वो वाले कहीं नहीं मिल रहे थे, बट फिर मैं मऊ गई और फिर मैंने देखा कि वो भी मैंने ले लिया एंड ये भी ले लिया। तो ये वाले से इतना ज़्यादा पफ अच्छा नहीं बनता जिससे उससे बनता है। आप किससे देखना चाह रहे हो, कौन सी वीडियो देखना चाह रहे हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये 30 रुपीज़ के 2 हैं, मतलब 15 रुपये का मुझे एक ही पड़ा, एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, एक थोड़ा सा छोटा साइज़ है, तो एक ये चीज़ है। नेक्स्ट, जैसे कि मेरी प्रीवियस अगर हॉल वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको पता होगा, विदाउट एनी ज्वेलरी पीस मेरा ज्वेलरी हॉल कंप्लीट ही नहीं होता है। तो यस गाइस, मेरे पास बहुत ही प्यारा सा एक चोकर पीस है, आप देख सकते हो कितना प्यारा चोकर पीस है, एंड ये ग्रीन कलर का है, और यही पीस सेम मीशो पे आपको मिल जाता है 350 रुपीज़ का आई गेस, या 450 इसी तरीके का, जो भी प्राइस मीशो पे होगा मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको प्राइस प्रोवाइड कर दूँ। एंड मैंने इसको लिया है 250 रुपीज़ का। यस गाइस, तो ये है 250 रुपीज़ का एक चोकर पीस, बहुत ही प्यारा है, ग्रीन इन कलर का है, पैक गले का है, और इसके साथ आपको मिलते हैं इयर रिंग्स। तो इसके इयर रिंग्स का मैंने नोटिस नहीं किया कि ये वाला जो पेच होता है ना वो है इसमें, और ये है इसके इयर रिंग एंड ये गिरा हुआ भी है। ये वाले चोकर में जो इयररिंग्स है उसमें एक जो लेयर है वो गिरी हुई है, मैंने नहीं ध्यान दिया, बट मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। तो यस गाइस, ये वाला चोकर पीस है, अगर मैं सिंपली भी चोकर पहनती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उसके साथ तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगी, इतना मुझे पता है। तो यस गाइस, ये चोकर पीस है, एंड इसकी सारी लेयर्स, सेट की जो लेयर्स है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यस गाइस, एक ये चोकर पीस मैंने लिया था, ये 250 रुपीज़ का मैंने लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास दो है एक्सटेंशंस। यस गाइस, ओके, सो फर्स्ट अफोर्डेबल वाली शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ सच में ये सही बोल रही है। सो यस गाइस, ये है एक हेयर एक्सटेंशंस जो कि मैंने 100 रुपीज़ की ली है। यस गाइस, सिर्फ 100 रुपीज़ की है ये, काफ़ी अच्छा मुझे इसका लेंथ लगा, और इसकी शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हेयर स्टाइल के लिए परफेक्ट है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, तो आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पे हल्की सी ये डिज़ाइन दे रखी है जो कि मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा चाहिए था, बट आई थिंक ये परफेक्ट है मेरे हेयर्स के लिए, क्योंकि मेरे हेयर्स की लेंथ थोड़ी सी छोटी है। सो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ये अच्छा लगा, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी शाइन है, कॉम करने के बाद और भी अच्छी शाइन हो जाएगी, लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक 100 रुपीज़ की आपको किसी भी वेबसाइट पे ये नहीं मिलने वाली है। यस गाइस, आई थिंक सो 100 रुपीज़ में आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, एंड सी द शाइन, ये मेरे हेयर से बिल्कुल सेम है, बस मेरे हेयर्स इतने ज़्यादा शाइनी नहीं है जितने इसकी शाइन है। यहाँ पे कुछ कॉम दे रखा है जिसके आप इसको होल्ड कर सकते हो, एंड ये लगाने पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो यस गाइस, एक ये हेयर एक्सटेंशंस मैंने लिए हैं जो कि मुझे चाहिए थे, और मुझे कंचन ने भी सजेस्ट किया था कि आप इसको ट्राई करो। तो ये ऑनलाइन मैंने देखी थी 300 रुपीज़ से कम की नहीं थी, बट यहाँ पर मुझे ये 200 रुपीज़ की मिली है, एंड एक ये वाली है जो कि मिड हेयर में आप लगा सकते हो, एंड इस तरीके से ये कुछ हो जाएगी। सो ये वाली है एक, एंड ये वाली मैंने लिए है 250 रुपीज़ की, जो कि नॉर्मल बीच में अगर आप सेंटर में लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा अच्छी है। तो ये 250 रुपीज़ की है, एंड इसका हेयर फॉल हो रहा है, इसका हेयर फॉल हो रहा है। तो यस गाइस, ये 250 रुपीज़ की है, एंड आई थिंक सो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो मेरी काफ़ी अच्छी लेंथ हो जानी है। बस यही है कि मेरे बालों से थोड़ी सी मैच नहीं कर रही है, बट मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। तो यस गाइस, ये 250 रुपीज़ की हेयर एक्सटेंशंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, थोड़ा सा इसको कॉम करना होगा क्योंकि ये ओपन रखी हुई थी, जिसकी वजह से हल्का सा इसमें डस्ट है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा इसका कलर है वो ऑफ दिख रहा है। तो यस गाइस, आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, एंड यही था आज का हॉल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड।